नमस्कार, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिशन 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल बजाते हुए बड़ी रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, जनसंवाद किए जा रहे हैं। इस कड़ी की शुरुआत सिरसा रैली से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई, जहां पर वो अपने विरोधियों पर लगातार हल्ला बोलते नजर आए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते आए कि किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम जो है वो हरियाणा में करने का काम किया गया। वहीं इसी कड़ी में 2024 के लक्ष्यों को पाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से हरियाणा में सक्रिय हो गया है और आज इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरियाणा के सोनीपत पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई करोड़ की यानी कि 3500 करोड़ के करीब की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। ऐसे में रोड कनेक्टिविटी को लगातार आगे बढ़ाते हुए 11 फ्लाईओवर्स का उद्घाटन किया जाएगा और इसी के साथ साथ नई परियोजनाओं के लिए शिलान्यास करते भी नितिन गडकरी नजर आएंगे। ना केवल ये कार्यक्रम बल्कि साथ ही साथ भाजपा के पदाधिकारियों के साथ, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करते भी नितिन गडकरी नजर आएंगे और उसमें 2024 लोकसभा चुनावों के लिए एक रोड मैप तैयार करने का काम किया जाएगा।